ओम शांति। आज 25 फरवरी 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे, निश्चय में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। प्रश्न, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? उत्तर, सदा हर्षित कौन रहेगा? जो ड्रामा पर चल रहा हो, क्योंकि एक तो है हमें पता होना, एक होता है हमारा चलना। पता तो सबको है, मैक्सिमम बाबा के बच्चे जान गए। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव क्या निकलने चाहिए? ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, देश देश देश, जो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध है, ये ईश्वरीय संतान के लक्षण है। जो ईश्वरीय मत के विपरीत है वो ईश्वरीय संतान के लक्षण। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते, रोना क्या होता है? आवाज तेज हुई तो भी रोया, फीलिंग में आए तो भी रोना। आपने अभिव्यक्त कुछ नहीं किया परंतु अंदर अंदर कोई अकर्तव्य करते हैं तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल कर, बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना, ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है, मजबूरी है कि खुशी से है जी? ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है, ये कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे, इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब, ईश्वरीय परिवार। ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है ये ब्रह्मा, फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, वे है वर्ल्ड का फादर। शिव बाबा है वर्ल्ड का फादर। यूं सारी दुनिया के तीन फादर तो होते ही हैं, सबके तीन तीन बाप होते हैं जी, आते हैं ना। खाली प्रजापिता में वर्ड शब्द नहीं आता, परंतु शिव ब्रह्मा बाबा जो है केवल मनुष्य का, जीव आत्माओं का पिता है,
और तू शिव बाबा तो चाहे वो पशु पक्षी की आत्माओं का पिता। यूं तो सारी दुनिया के तीन फादर तो होते ही हैं, अलौकिक और पारलौकिक। एक निराकार बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। परंतु ये किसी को भी पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते हैं लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए थे। परमात्मा परमपिता परमात्मा कब आया, ये प्रजापिता ब्रह्मा कब आया, ब्रह्मा की जगह चाहे एडम कहें, चाहे आदम कहें, चाहे मनु कहें, कुछ भी नाम दें, परंतु वो आया कब था ये पता नहीं है, जानते नहीं है ये कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वे क्या पाठ बजाते हैं, कब आते हैं ये पता ही नहीं, ये पता ही नहीं। उनका नाम क्यों गाया जाता है ये कोई भी जानते नहीं। बल बहुत पड़े हुए हैं, बल बहुत पड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में लेक्चर सुनने जाती है दुनिया, लाखों की संख्या में उनका भाषण सुनने के लिए जाते हैं, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी। कुछ भी नहीं जानते तुम बच्चों के, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। जिन गुरुओं के पास, संतों के पास, पढ़े लिखों के पास, दार्शनिकों के पास, फिलोसफर्स के पास लाखों की भीड़ जाती है, वो कुछ भी कितने नशा होना चाहिए, कितना नशा चढ़ाता है बाबू। जितना जानते नहीं जानते, बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो, ऊंचे ते ऊंचा बाप, अब नई रचना रच रहे हैं। नई दुनिया में नई रचना चाहिए ना, गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया राज्य चाहिए। भारत ही है जिसमें एक राज्य सतयुग में होता है, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, फिर चंद्रवंशी का राज्य होता है, तो सूर्यवंशी प्राय लोप हो जाते। फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज्य, हां वो जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण होकर के गए, तो चंद्रवंशी हैं वो ये जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण होके गए हैं। वो तो लक्ष्मी नारायण कैसे बने थे, हम कैसे बने थे ये नहीं जानते। हाँ वही बाबा कहते हैं, उनको ये नॉलेज है क्योंकि वो तो उनके सामने गए हैं ना, वो बने कैसे, कहां से आए थे, क्या हुआ था, ये उनको नहीं पता। कहते भाई बन के गए लक्ष्मी नारायण थे, जैसे हमारे दादा पर दादा थे, बस खत्म बात। अब हमारे दादा पर दादा के बाद आगे पहले क्या था कौन था पता ही नहीं, जहां तक किसी ने लिख रखा होगा या माँ बाप ने बता दिया होगा तो वहां तक दादा तक पर दादा तक और कई दो चार पीढ़िया और भी ज्यादा कोई जान सकता होगा, जानता होगा। कईयों ने अपनी रखी होती है हरिद्वार वाली बही खाता कि कितने पीढ़िया हमारी रही, तो रट रखा होगा, उससे कोई फर्क पड़ता तो नहीं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा है ना कि ये लक्ष्मी नारायण होते हैं, लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता बनते हैं जब त्रेता शुरू होता है।
लक्ष्मी नारायण राम सीता बनते, लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा नहीं, सभी लक्ष्मी नारायण परिवर्तित हो जाते हैं राम सीता में। जैसे अंग्रेज आए तो उन्होंने ही शी बना दिया, और मुगल आए तो उन्होंने औरत मर्द बना दिया, नहीं तो स्त्री पुरुष होता था, ठीक है ना। मतलब जो आए उन्होंने शब्द अपने अपने तरीके से बना। नहीं 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 नहीं, मतलब जैसे पोस्ट है, लक्ष्मी नारायण तो पोस्ट है। नहीं पोस्ट नहीं भाई, नहीं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हम ही शी, है नहीं, मिस्टर मिसेस, और हिंदी में हम कहते हैं श्रीमान श्रीमती, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से मतलब हिंदी में यहाँ कहा जाता था स्त्री पुरुष, मुगल आए उन्होंने रख दिया नाम औरत मर्द, तो सबको औरत मर्द ही याद रहता है। राम सीता हो, राम सीता, नर और नारी की जगह पर नारायण और लक्ष्मी, और फिर क्या बोलते हैं सीता और राम, फिर उसी प्रकार से आगे आते गए। जैसे मतलब ये कोई वो नहीं था, मतलब हर पुरुष नारायण है, हर स्त्री लक्ष्मी है, हर पुरुष राम है, हर पुरुष सीता है। भाव ने एक मुरली स्पेशल चलाई है इस पर, एक मुरली स्पेशल थी जिसमें बाबा ने ये बात क्लियर किया। हाँ सीताराम राधेश राजा राम, दया राम, वो तो लगाने का नियम इसलिए चलाया था कि सारे अपने बेटे का नाम नारायण या राम रखें, तो कुछ के साथ आगे कुछ भी लगा दो तो पीछे राम लगा दो, या पहले लगा दो, किसी तरीके से भगवान का नाम आ जाए, ताकि मरते वक्त आपने अपने बेटे को बुला लिया तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। और ये इसलिए ऐसा था, जैसे अपने बद्री नारायण, ऐसे अपने बच्चों के नारायण राम पहले या बाद में लगा दे, परंतु कहलाएगा राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, रचयिता एक बाप है, शिव बाबा रचता आते हैं, आकर बतलाते हैं कि मैं कैसे नई रचना रच रहा, मैं कैसे नई रचना रच रहा हूं। ये बाप ही आकर, क्रिएटर ही आकर बताते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूं, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। ये थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य, कभी भी दुख व विधवा नहीं होंगे, ना दुखी होंगे और ना विधवा होंगे। विधवा पर एक भाई ने लिखा, भाई जी आपने जवाब तो दिया अधूरा है। मैं कब बोलो, पूरा बताओ जवाब, आप ही बताओगे। कहता है ऐसा है कि लक्ष्मी नारायण दोनों एक साथ ही शरीर से होते, संकल्प से, अगले साल अगले काल अगली बार फिर वो पति पत्नी बन जाते हैं, फिर एक साथ एक ही साथ जो है ना वो शरीर छोड़ते हैं। वहां पर संकल्प से शरीर छोड़ना है, पति ने शरीर छोड़ा तो पत्नी ने भी शरीर छोड़ देना। हर एक व्यक्ति अपने अपने मर्जी, कहीं से नहीं पड़ा, अपना हिसाब लगाते रहते हैं, क्योंकि बाकी बाबा की श्रीमत के अनुसार कि हम एक जन्म पुरुष बनते हैं, एक जन्म स्त्री बनते हैं, हर एक ने अपने कर्म अनुसार शरीर छोड़ना है और शरीर लेना है, ठेका नहीं ले रखा है। जरूर नहीं है, होता है डाला नहीं, मतलब ऐसा, क्योंकि जिसने जैसा देखा होगा। बाकी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो पीछे लड़का थे अब लड़की हैं, या अब लड़की हैं तो पीछे आगे लड़का बनेंगे या बने, मतलब वो केसेस सारे जो पुनर्जन्म के केसेस है ना, बुक्स भरी पड़ी है। परंतु किसी ने ये नहीं कहा कि मैं पिछले जन्म में गाय बिल्ली चूहा छिपक ले था, ये किसी ने, मतलब जितने भी केसेस हैं, मतलब सर्टिफाइड केसेस हैं,
मतलब उनको बकायदा जाकर के जांच किया गया है, चेक किया गया है, तब उन्होंने रिकॉर्ड में रखा है उनको कि ये घटनाएं मिली है। बाकी वो क्या है कि एक आधा केस पढ़ लिया, एक आधा सुन लिया, बस उसी को ही वो बना देते हैं। बाकी तो मेन बात है कि पूरे उसको देखना है कि हम हर जन्म में इंसान बनते हैं, परंतु एक जन्म पुरुष और एक जन्म, ये बाबा ने कहा है कि आप तीन जन्म तक लगातार मेल मेल या फीमेल फीमेल रह सकते, जरूरी नहीं है। मतलब कोई किसी का कोई ऐसा हिसाब किताब है, इस जन्म में भी फीमेल है, अगले जन्म में फीमेल है, अगले जन्म में फीमेल है, नहीं तो अल्टरनेट चेंज होना है। मतलब ये बाबा के शब्द हैं कि हम एक जन्म पुरुष और एक जन्म स्त्री बनते हैं, परंतु किसी का कार्मिक अकाउंट ऐसा है तो वो लगातार तीन जन्म तक पुरुष या स्त्री बन सकता है। और जो थर्ड लिंग आता है वो भी हमारे में से ही बनते हैं, बाकी हमारा ही कोई कार्मिक अकाउंट होता है कि हम हिजड़ा बने, परंतु ये नहीं है कि हिजड़े बनेंगे, हिजड़े 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 नहीं, मतलब ये भी कोई नहीं, ये भी हमारा ही अपना कार्मिक अकाउंट है जो हमें उधर भी ले जा सकता है। क्योंकि सारा हमारा स्त्री बनते हैं या पुरुष बनते हैं, गरीब बनते हैं या अमीर बनते हैं, अच्छे बनते हैं या बुरे बनते हैं, सारे बनने के पीछे कारण तो एक ही, हमारा कार्मिक अकाउंट, हमने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही शरीर लेना है। मतलब वहां कभी विधवा नहीं होंगे, इसी बात पर उसने प्रश्न पूछा और उसने इसी बात पर ये जवाब दिया। वहां पर विधवा मतलब ये नहीं कि पति नहीं मरेगा, नहीं मतलब वहां पर कोई भी मरो दुखी नहीं होते, बस विधवा रोती है बाबा कहते, और तो वहां कोई रोने वाली बात ही नहीं है, सोल कॉन्शियस होते आत्मा का रोल चेंज हुआ बस। हाँ, क्यों मैंने तो वीडियो यही उनको जवाब दिया ना जो बाबा के हैं, पर तो उसने अपने तरफ से, मैंने कहा ठीक है आप अपना यूनिक पर्सनालिटी है, आप अपना जो भी जवाब दें, क्यों बहस किया जाए, ठीक है जो उसको लगे वो करे। मतलब ऐसे जवाब देते हैं जो बिना सिर और पैर के, मैं इसीलिए तो मेरे को लग रहा है कि हम सही नॉलेज वहां पर डालें तो किसी का भला हो। देखो हमने ठेका नहीं लिया, हमने सही तो देना, अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक ने भी उसमें से ले लिया तो भी हमारा जो है ना भाग्य बना। हाँ मम्मा वो तो मतलब कहने का कोई भी है, योग से आयु बढ़ती है, कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे, ये किसकी बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है, है बहुत सहज, है बहुत सहज, क्योंकि उसने कैलकुलेशन किया है भी, आप पति पत्नी मरेंगे एक साथ ही, संकल्प से शरीर छोड़ना है, पति ने छोड़ा तो वो भी छोड़ देगी, या पत्नी भी इकट्ठे दोनों संकल्प, सारा कल्प एक साथ थोड़ा चल सकते हैं, एक जन्म थोड़ा चलेगा, चेंज तो होगा ना। गीत, तकदीर जगाकर आई हूं, ओम शांति। तुम आते हो इस पाठशाला में, किसकी पाठशाला है ये? श्रीमद् भगवत की पाठशाला, भगवान की पाठशाला है, फिर उनका नाम गीता रख दिया है, श्रीमत् श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमात्मा की है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ परम आत्मा की है, वे अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, किसकी मत पर चलते आए? रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, अब ईश्वर बाप की मत मिलती, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूं, तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं,
जो हमारे बनते हैं कहते हैं शिव बाबा। ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन, हम आपके बन गए। प्रतिज्ञा करते हैं मैं आपकी हूं, मैं आपकी हूं, आपकी ही रहूंगी। बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो, अब मेरी मत पर चलना। मेरे तब रहोगे जब तुम मेरी मत पर चलेंगे। श्री मत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, गारंटी है। कल्प 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 पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई मनुष्य कह ना सके कि मैंने तुम्हें पहले कल्प पहले भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनाया। ऐसे कोई कह ना सके। किसको कहने आएगा ही नहीं, कहेगा कैसे? ये बाप ही कहते हैं मेरे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सतयुग है अल्लाह की दुनिया, भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे, भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। उस समय सब उल्टे लटके हुए, इस समय सब क्या है, उल्टे लटके हुए हैं। चील कौवा आकर, चील आकर टुंगा लगाती है ना, हाँ माया, यहां भी माया टुंगा लगा देती है, दुखी होते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको इन दुखों से, विषय सागर से खीर सागर में ले चलते हैं। अब खीर सागर तो कोई है नहीं, कोई है नहीं। कह देते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में खीर सागर में रहते हैं। ये अक्षर महिमा के हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता, मैं ज्ञान सागर हूं, मैं तुमको क्या बनाता हूं, स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते, जलकर काले बन जाते। कौन सी चिता पर बैठकर? काम जाते। और सगर के बच्चे क्यों जल के जले थे? राजा सगर, ये इक्ष्वाकु वंश में हुआ, उनके बच्चे क्यों जले? उनको दिखाया कि उनकी दो रानियां थी, एक के 60,000 बच्चे हुए और एक के एक, एक का एक। और जब वो 60,000 बोले 60,000 बच्चे होंगे, तपस्या की उन्होंने, परंतु ये बड़े अहंकारी होंगे, 60,000 और एक जो है ना ये तुम्हारे वंश को चलाएगा। ये मनु नहीं है, ये इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर, सगर का बेटा कौन सा था? नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो मतलब कहने का ये है कि उसके बाद जो है ना क्या होता है कि वो 60,000 उनको जो है ना अश्वमेघ यज्ञ किया और 60,000 उस घोड़े की सेना के रूप में चल रहे थे रखवाली के लिए अश्वमेघ यज्ञ में। तो इंद्र ने चोरी से उनका घोड़ा उठा के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया जाके। अब वो बड़ा तपस्या मेरे, उसको क्या पता। अब ये घोड़े के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, पता नहीं जो कहानी का कहानी गढ़ने वालों को तो कुछ नहीं कह सकते ना। उसके बाद जो है ना कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने घड़ा घोड़ा बंदा देखा और उसको देखा तपस्या कर रहा है। तो उसको जो गुस्सा उठे भी कर युद्ध, तो उन्होंने खूब उनको ललकारा, क्योंकि उनको अहंकारी तो थे ही थे, देह अभिमान तो उनमें था ही था। उन्होंने अहंकार में आकर उनको जो मर्जी है बोल दिया। अब आखिर उसका तो ध्यान टूटा टूटा तो उसने श्राप दे दिया, सारे भस्म हो जाओ, मर जाओ तुम सारे के सारे। अब जो है ना ठीक है,
अब वो क्या होता है कि वो तो सारे भस्म हो गए, अब वो पहुंचता है कपिल मुनि के पास, उनका फादर जाके रिक्वेस्ट करता है कि भी है ना मेरे बच्चों को बचाओ। तो वो कहते हैं कि ना आपके वंश में आगे कोई आएगा जो गंगा को स्वर्ग से लाएगा, तो मतलब उनके वंश में फिर वो जो चलता आ रहा था वो भागीरथ आया, उसने फिर गंगा को लाया, फिर वो सारी अस्थि नहीं भागीरथ आगे, हाँ आगे आके हुआ, आगे कई पीढ़ियों के बाद आकर के हुआ, तो वो गंगा को लेके आया। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन गए। मतलब अब परमात्मा आकर के ज्ञान सुना करके क्या करते हैं, स्वर्ग का मालिक बना। अब ज्ञान गंगा शिव बाबा लाते हैं, भागीरथ ये है, मतलब भागीरथ ये हो गया, मतलब अब कहानी आकर के बाबा जोड़ रहे हैं उसके साथ ना, मैं आकर तुम पर ज्ञान की वर्षा करता हूं जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में ये अक्षर हैं, सगर राजा के बच्चे जल मरे थे, सगर राजा के बच्चे जल मरे थे, बातें तो बहुत बना दी है, अभी बाप कहते हैं ये सब बातें बुद्धि से निकालो, ये सब बातें बुद्धि से निकालो, अब मेरी सुनो। अब बाबा क्या कहते हैं, मेरी सुनो, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयन्ति, विजय माला के दाने बन जाएंगे, माला का राज भी समझ आया है, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है, सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्रमाला में आगे आते हैं, रुद्रमाला में आगे आते हैं, फिर विष्णु की माला है, माला में आगे जाएंगे, पहले रुद्रमाला में आगे आएंगे, रुद्रमाला में तो सबने आना है, आगे आएंगे, फिर वो विजयंती माला में 108 में आगे आएंगे, फिर 16108 की भी माला है, ऐसे नहीं सत्युग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस होंगे। पहले हम समझते थे सत्युग त्रेता में टोटल मिलाकर 108 राजा बनेंगे या प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ठीक है, बाबा कहते सिर्फ इतने नहीं होंगे, वृद्धि होते होते माला बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाती है, प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी तो वृद्धि होगी, ये तो ना कि सत्युग में 8 ही राजा बनेंगे, 8 गद्दियां कहां, परंतु 8 राजा, ये तो ना कि 8 गद्दियां बस वही 150 क्योंकि ज्यादा ज्यादा एक राजा कितना समय रहेगा, 35-40 वर्ष, 150 साल एक राजा थोड़ा बन सकता है, चौथाई हिस्सा राज्य करेगा ना प्रजा। हाँ प्रजा की वृद्धि होगी तो प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझो तो पूछो, ए मेरे लाडले बच्चे मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। ये झाड़ कब पुराना नहीं होता, ये झाड़ कभी भी पुराना नहीं होता, भक्ति मार्ग कब शुरू होता है ये तुम जानते हो, ये है कल्प वृक्ष, कामधेनु बैठी है, कामधेनु कौन है, ब्रह्मा बाबा मम्मा हम सब कामधेनु हैं, जो संसार की इच्छाओं को पूरा करने वाले, जरूर उनका बाप भी होगा, अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा, प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई और बनती जाएगी, लाखों की अंदाज में बनती जाएगी, बाकी राजा बनना ये जरा मेहनत वाला काम है, इसमें भी साधारण गरीब उठते अमीर नहीं आ सकते,
साधारण गरीब उठते हैं। बाबा कहते हैं गरीब निवास मैं हूं, दान भी गरीब को किया जाता है। अहिल्याएं कुब्जाएं पाप आत्माएं जो हैं ऐसे ऐसे को मैं आकर दान करता देता हूं, ऐसे ऐसे को मैं आकर क्या कर देता हूं, दान देता हूं। तुम एकदम सन्यासी को भी वैद ज्ञान देंगे, ब्राह्मण बनने बिगर देवता कोई भी बन ना सके, ब्राह्मण बनने बिगर देवता कोई भी बन ना सके। पहले ब्राह्मण बनना होगा फिर देवता बन। जो देवता वर्ण के थे वो ब्राह्मण वर्ण में आए हैं, अब समझ उल्टा उल्टा बता रहे कटवा पाड़े ना, जो ब्राह्मण वर्ण जो देवता वर्ण में थे वही ब्राह्मण वर्ण में आए तब फिर देवता वर्ण में जा सकेंगे। तो माता पिता हम बालक तेरे तुम्हारी शरण में सुख गने, गाते तो सब है परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो। ये है ब्राह्मणों की नई रचना, ऊंचते ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय। भगवान भी ऊंचते ऊंच, फिर हम कौन है, ईश्वर की संतान। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए कि हम ईश्वर के, अभी तो कहे बच्चे अब क्या कह दिया, हम ईश्वर के पोत्रे पोत्रियां, ब्रह्मा के बच्चे। बच्चे फिर पोत्रे पोत्रियां क्यों हो गए? क्योंकि पोत्रे पोत्रियों को बाप दादा की जायदाद से हक मिलता है। हाँ दादा, आप ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। यहां बहुत ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाने वाले भी रोते, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाने वाले भी खास कुमारियां, कौन रोते हैं, खास कुमारे, उनका दिल छोटा होता है ना। पुरुष रोते नहीं है, पुरुष थोड़ा पक्के होते, तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते। वे माया के मुरीद देखने में आते, वो किसके मुरीद हैं, माया के, माया के चाहने वाले। शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते, शिव बाबा को नहीं चाहते, वो माया को चाहते। बाबा अंदर में तो समझते हैं परंतु बाहर से थोड़े ही दिखलाएंगे कि तुम मेरे को नहीं चाहते, क्यों नहीं दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़े। बाबा कहते अपनी संभाल करो, सतगुरु की निंदा कराने वाले वाला कभी ठोर नहीं पाएगा। वे समझ लेवे कि हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जब तुम यहां हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कमान सुधरना थोड़ा ना, दूसरों भाषण करना है, भाषण करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वे तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से रतन निकलते रहे। आपके मुख से क्या निकले, ज्ञान रतन। मुझ आत्मा को परम पिता परमात्मा का धन मिला है, जो मुझ आत्मा में धारण होता है सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूं। जैसे बाबा शरीर का लोन ले दान करते हैं ऐसी अवस्था चाहिए।
जैसे शिव बाबा पर काया प्रवेश करके क्या करते हैं, ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, ऐसे हमने भी इस काया में प्रवेश करके ज्ञान रत्नों का दान। बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है तो दिल में रहता है ये ठोर नहीं पा सके। बाबा को अलहने भी मिलते हैं, ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों, आबरू तो यहां ईश्वर की जाएगी ना। कोई बच्चा रोए तो सारे मां को डांटते हैं ना, और किसी को कुछ कहते हैं? मां को बाप को तो बाद में, मां के बाद बाप का नंबर आता है, सबसे पहले तो मां को डांटते। तो यहां शिव बाबा हमारी मां भी है, हमारा बाप भी है, तुम्हारा टीचर भी है, तो उसकी तो इज्जत गई। जगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं, देवताएं रोते तो भी और बात है, देवता रोए कोई बात नहीं, वो तो देवता के बच्चे हैं ना, तुम तो ईश्वर के बच्चे हो, बताओ ईश्वर के बच्चे भी रोए? ये तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं तो क्या गति होगी। ऐसा कर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए। जो बाप की आबरू गंवाओ, हर बात में संभाल चाहिए, तुमको ईश्वर पढ़ाते। कौन पढ़ाता है? ईश्वर पढ़ाते हैं। इस समय तो जितने मनुष्य उतनी मते हैं, जितने मनुष्य हैं उतनी मत है, क्योंकि हर एक यूनिक है, हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा की मत भी विचार भी अलग अलग, एक ना मिले दूसरे से। तो बाप समझाते हैं, यहां तुम बैठे हो अपनी ऊंचते ऊंच तकदीर बनाने, यहां किस लिए आए हो, ऊंचते ऊंच तकदीर बनाने के लिए। ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना ना सके। सतयुगी सृष्टि के आदि में लक्ष्मी नारायण, आदि में कौन है? लक्ष्मी नारायण। वे तो भगवान ही रचते हैं, भगवान ने उनको बनाया। उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई, ये कोई भी नहीं जानते। बाबा समझाते हैं, कल्प के संगम युग पर ही मैं आकर लक्ष्मी नारायण को रका राज्य स्थापन करता, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूं। बाबा कहते हैं तुमको राज तिलक दे रहा हूं, तुमको मैं क्या दे रहा हूं, राज तिलक दे रहा हूं, मैं स्वर्ग का रचयिता, तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा। कहते हैं ना तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, हाँ ये बात यहां की है, ये बात यहां की है। वास्तव में राम है शिव बाबा, चंदन घिसने की बात नहीं कि कोई यहां चंदन बैठ के घिसे उनको लगाए, अंदर बुद्धि से बाप को और वर्षे को याद करो, क्योंकि जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, याद करो का मतलब क्या है, बाबा की श्रीमत पर चलना, जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे समझो कि हमें बाबा याद है। रटने की, गीत सुनने की, कमेंट्री सुनने की जरूरत नहीं। मायापुरी को भूलो, ये दुनिया क्या है, मायापुरी। क्यों कहा इसको मायापुरी,
मायापुरी क्यों कहा, शिवपुरी सुनी, ब्रह्मापुरी सुनी, विष्णुपुरी सुनी, शंकरपुरी सुनी, हैं जी, माया सर्वव्यापी है। माया कहते हैं अभाव को, कमी को। आज सारी दुनिया अभाव में जी रही है, ज्ञान का अभाव, प्रेम का अभाव, शांति का अभाव, शक्ति का। ये टूंगे जो मारती है ना माया, वो माया क्या है, हमारे ज्ञान का अभाव, अज्ञानता, अज्ञानता टूंगा मारती है। शांति का अभाव, अशांति, वो टूंगा मारती है, ठीक है ना। माया है गुणों का अभाव। जैसे बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भी पक्के हैं और माया भी बहुत तरह तरह के पेपर लेने आएगा। वो तो पेपर आएंगे, वो विषय अलग हो जाता है ना, क्योंकि जो हम जितना एग्जाम पास करते जाएंगे, हम माया के बच्चे थे, तो माया हमें कुछ नहीं कहती थी, हम माया और मैं हम मिले हुए थे। अब हम माया को छोड़ते हैं तो माया फिर उतना पेपर लेने के लिए आती है, पहली क्लास का पेपर, फिर दूसरी क्लास का पेपर, तीसरी क्लास, जितने पक्के होते जाओ माया फिर उतना बड़ा पेपर लेगी, क्योंकि क्लास बड़ी होती जाएगी तो पेपर भी थोड़ा। फिर कहे क्या करूं, अभी इसे जाऊं कैसे, कुछ नहीं, कोई फायदा। बस फिर कोई इलाज नहीं। मायापुरी को भूलो, इनमें अथा दुख है, इस संसार के अंदर अथा दुख है। ये है कब्रिस्तान। इसको कब्रिस्तान क्यों कहा भाई, दफन है, अपने आप को भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। ये सब चलते फिरते कब्र है। मीठे बाबा और मीठे सुख धाम को याद करो, ये दुनिया तो खत्म होनी है, इनको क्या याद कर। विदेशों में तो बॉम्ब्स आदि गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना है, मरना सबको है। किचड़ पट्टी खलास हो, ये जो सारा गंध दुनिया में बना पड़ा है, ये सारा गंध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देवताएं किचड़ पट्टी में नहीं रहते, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी, सारी दुनिया क्या हो जाएगी, एकदम साफ हो जाएगी, और सारी आत्माएं घर परम धाम चली जाएंगी। कौन साफ करेगा फिर, प्रकृति अपने आप साफ करेगी। ऑटोमेटिक बाढ़ आएगी, भूकंप आएंगे, आग लगेगी, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, खराब हो जाता है। हमें तो दो साल हो गए, तीन ही चार दिन पहले पड़े हैं, देखते ही टाइम ही नहीं है, देखें अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी। पहले होएगी मतलब कृष्ण के रूप में तो करके जाएंगे ना, करके तो उन्होंने जाना है, पर तो जब आएंगे तो उनको ये नहीं पता होगा ना हम ही करके गए हैं, साफ तो वही करके जाएंगे, जिसको आना है वो बनाएगा, जो बनाएगा वही भोगेगा। हाँ वही डब्बा वापिस उसी घर पहुंच जाता है, उसके बाद पहुंच जाती वापिस अपने घर, ठीक रहता है। देखो दिमाग तो लगाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लगाया, एग्जाम्पल तो सही दिया है ना, जिसने बांटा उसी के पास वापिस आ गई, घूम फिर के सारे खुश भी हो गए, मतलब चाहे हजार घरों में आई हो, सौ घरों में आई हो, क्योंकि वो एक एक ये भी बना हिसाब का भी, कि एक व्यक्ति जाता है कोई सामान खरीदने के लिए,
कहता है ठीक है ये लो 500 रुपए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ सामान ले जाता हूँ। तो उसको आता है कि भाई 500 रुपए आ गए हैं, ये मैंने उसको देने थे, उसको दे आता हूँ। वो उसको दे देता है, वो अगले वाले को दे देता है, वो किसको किसको बांट कर दे देता है। और उसके बाद वो वापस आता है, उससे पहले या घंटे में आया, आधे घंटे में आया, सैकड़ों हजारों का हिसाब किताब बराबर, लोगों का हिसाब किताब बराबर होके एक आया, भाई मैंने आपके 500 रुपए देने थे, ये लो हिसाब रहा। और वो आके कहता है ना मैंने ना नहीं खरीदना, मेरे पैसे वापस दे दो। वो उसको 500 रुपए वापस दे देता है, उसके 500 रुपए वापस उसके पास आ गए। पर तो इतनी आत्माओं का हिसाब किताब क्या हो गया, ऐसे हिसाब किताब वो कहता है बराबर हो जाएगा। क्योंकि संसार का खेल है, हिसाब किताब तो हम सब ने बराबर करना करना है, परंतु जिसको मैंने दिया है उसके साथ मैंने बराबर करना है, दूसरों के साथ नहीं। तो हर एक आत्मा ने अपना अपना कार्मिक अकाउंट अपने अपने तरीके से। प्रश्न तो अलग होगा ना, नहीं प्रश्न अलग होगा, ये तो उत्तर है ना, ये तो आपने उत्तर दिया है ना, प्रश्न तो अलग है ना, जो भी है मतलब प्रश्न अलग चीज है, हमने अपना उत्तर अपने मतलब तरीके से। कहने का भाव ये है कि आत्मा को स्पेस नहीं मिलता, मतलब एक शरीर से निकली दूसरे में। हाँ बिल्कुल नहीं मिलता, नहीं नहीं कोई नियम, ये तो एक समझाने के लिए एग्जांपल दिया, बाकी जो पैसे वाला नियम है कोई नियम थोड़ा, मैंने इसलिए कंडेम किया ना, वो कहा मतलब उन्होंने पैसे का नियम बताया। अब पैसे का नियम तो पूरा वंडरफुल है ना, सीधा हमारे पास सीधा फार्मूला है, जिन जिन आत्माओं को हमने सुख व दुख दिया है उनसे लेना है और घर जाना, जितना बांटा उतना वापस ले लिया, बराबर घर जाना है। 1 लाख रुपया लेके आया था, 1 लाख रुपया ही मैंने लेके जाना है, 1 रुपया कम नहीं होगा, 1 रुपया फालतू भी नहीं। जिन गुणों और शक्तियों के साथ मैं आया था, वापिस उन्हीं गुणों और शक्तियों के साथ उसी परसेंटेज पर मुझे वापस घर जाना। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे, अमेरिका अफ्रीका सब खत्म। फिर देवताएं आएंगे, वे आकर अपने महल बनाएंगे, जो बाद में आने वाले तो बाद वाले तो आके बनाएंगे, ये अपने महल बना के जाएंगे। बॉम्बे इतनी थी नहीं, एक गावड़ा था, बॉम्बे एक गावड़ा था, आप देखो क्या बन गया है। तो फिर ऐसे होगा और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते, कहीं खारा पानी नहीं होगा, मीठी नदियों पर होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं, मद्रास आदि होता ही नहीं, मद्रास तो था ही नहीं, बाबा कहते ये तो बना ही बाद में है। वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं, वैकुंठ के महल वहां दिखाते हैं, तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण पर। हमारा तो लक्ष्य ही अलग है ना, हम बाबा के पास आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। सिर्फ मनुष्य से देवता भी मत कहो, सिर्फ मनुष्य से देवता भी मत कहो, क्या कहो, क्योंकि सबने नर से नारायण बनना है, सभी नारायण बनेंगे या लक्ष्मी बनेंगे। सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो, देवताओं की तो राजधानी है ना, हम आए हैं राज्य लेने। इसको कहा ही जाता है राज योग, ये कोई प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से रोज पूछना चाहिए कि कोई भूल चूक तो नहीं की, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया, डिससर्विस तो नहीं की, ऐसा कोई काम तो नहीं किया जो बाबा की श्रीमत के विपरीत था। थोड़ी सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए, थोड़ी सेवा की थक गए बस अब आराम करेंगे, नहीं आराम तो करना ही नहीं, थकना नहीं है। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया, झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ छिप ना सके, आप शिव बाबा से कुछ भी छिपाना चाहो तो छिप नहीं सकते। ऐसा मत समझना कौन देखता है,
कौन देख रहा है? शिव बाबा तो झट जान जाएगा, मुफ्त अपनी सत्यानाश करेंगे। सच बताना चाहिए तब ही सतयुग में नाच करते रहेंगे, सच बताएंगे तब ही सतयुग में नाच करते रहेंगे। सच तो बिट्ठो नाच, खुशी से नाचता फिरेगा सच। हाँ, खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो स्त्री पुरुष है, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में भी नहीं भी हो, एक के भाग्य में हो दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती है। कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियाला बांधते हैं, हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे। तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं। उनको भुजाएं बहुत दे दी, उनको भुजाएं बहुत दे दी हैं, तो मनुष्य समझेंगे ये तो देवता है, ये तो देवता है, जन्म मरण रहित है। अरे ये चित्र तो मनुष्य का है, चित्र तो मनुष्य का है ना, इतनी बाहें तो होती नहीं है जितनी बाहें उन्होंने दे दी। विष्णु को भी चार भुजाएं दिखाते प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए, यहां तो दो भुजाएं ही होती हैं। मनुष्यों ने फिर नारायण को भी चार भुजाएं दे दी, नारायण भुजा चार भुजा वाला लेटा हुआ है और उसकी जो पांव दबाने वाली है उसकी दो भुजाएं हैं, लक्ष्मी की दो भुजाएं हैं, वरना चार भुजाओं से चार टांगे चाहिए दबाने के लिए, क्योंकि दो भुजाएं टांगे तो दो हैं, टांगे भी दो हैं, नारायण की दो टांगे ना, इसलिए दो भुजाएं दिए ना, चार चार पता नहीं देखो कैसे कैसे बातें की है ना। लक्ष्मी को दो भुजाएं दी हैं, कहां फिर लक्ष्मी को चार भुजाएं दे दी हैं, महालक्ष्मी बना दिया, नारायण को काला बना दिया है, लक्ष्मी को गोरा बना दिया है। कारण का कुछ पता नहीं, कारण का कुछ पता नहीं पड़ता, फिर क्यों ऐसा किया कहते पता नहीं जी। तुम अभी जानते हो देवताएं जो गोरे थे द्वापर में आकर जब काम चिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली बन जाती है, फिर बाप आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, मीठे बाबा और मीठे सुख धाम को याद करना, मीठे बाबा को और मीठे सुख धाम को याद करना है, इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है, इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है, विजय माला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है, कभी थकना नहीं है सेवा करने में। शिव बाबा से सच्चा रहना है, कोई भूल चूक नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले, एक के पास शिव बाबा के पास से ज्ञान से समझ से आकार को भी निराकार को भी और आकार को भी साकार में अनुभव करने वाले, तो हमारे साथ है। वरदानी मूर्त भाव, सिर्फ एक का पाठ याद रखना है, एक शिव बाबा दूसरा ना, एक का पाठ पक्का करने करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या में के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे।
वे एक का पाठ है, एक बल, बस एक शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, एक भरोसा और किसी का कोई भरोसा नहीं। एक मत, जो बाबा ने मत दी है बस उसी मत पर चलना। एक रस, कुछ भी हो जाए हमारी अवस्था में कोई अंतर ना। एकता, एकता माना कि हम सभी एक बाप के बच्चे हैं। और एकांत प्रिय, एक के अंत में, एक शिव बाबा से ही प्यार, बाकी दुनिया में किसी से भी प्यार। ये एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने की बजाय, वे तो इसके साथ मेरे विचार नहीं बनते, चलो छोड़ो इसको, मैं अलग रहता हूं, ये जिस टाइम मुरली सुनने आएगी ना मैं नहीं जाऊंगा, उसके बहुत बातें करती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। नहीं, हमने सबका क्या बनना है, सहयोग, सहारा बनना है, सहयोगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।